इराक में कोहराम मचा देने वाले आतंकी ग्रुप आईएसआईएस ने इराक में खलीफा शासन घोषित कर दिया है। ये घोषणा इस आतंकी ग्रुप के प्रवक्ता ने की है। अपनी घोषणा में संगठन ने सरगना अबू अल बगदादी को देश का खलीफा बताया गया है। इराक और दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अब इराक और सीरिया के अपने कब्जे वाले इलाके को अलग इस्लामी मुल्क घोषित कर दिया है। संगठन के सरगना अबू अल बगदादी को इस नए देश का खलीफा घोषित किया है। उधर आतंकवादियों से लड़ाई में मदद के लिए रूस ने इराक को सुखोई लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की है। आईएसआईएस के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने इंटरनेट पर एक ऑडियो जारी कर ये घोषणा की। उसने कहा कि समूह के प्रमुख अबू अल बगदादी इस्लामी देश के नए खलीफा हैं। उनके नाम का ऐलान सूरा काउंसिल की बैठक के बाद किया गया। अदनानी ने इसके साथ ही सभी जिहादी संगठनों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस नए मुल्क के खलीफा के प्रति निष्ठा की शपथ लें और उनका समर्थन करें। अदनानी ने यह भी कहा कि आधिकारिक कागजात और दस्तावेजों से इस्लामिक स्टेट के साथ इराक और लेवांट शब्दों को हटा दिया गया है। आईएसआईएस के आतंकवादियों से लड़ाई में मदद के लिए रूस ने इराक को लड़ाकू विमानों की सप्लाई की है। ये नए सुखोई 25 विमान जल्द सेवा में लाए जाएंगे। इससे पहले इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने कहा था कि उनका देश रूस से एक दर्जन से अधिक लड़ाकू विमान खरीद रहा है। सीरिया के अलेपो प्रांत में आईएसआईएस आतंकवादियों ने सरेआम 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 8 लोग विद्रोही थे जो राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन और जिहादियों से लड़ रहे थे।